नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। वो वीडियो क्या है सर? महिला परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर नहीं देखें तो देखिए एक बार जा करके। अब जब जा करके देखेंगे तो लगातार 2013, 2019, 2022 में जो भी पेपर हुए थे उन सभी पेपर में आप देखेंगे कि अब विटामिन के सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं तो उसके लिए मैं आपको सिलेबस भी अपने सामने रखा हुआ मोबाइल का, कि आप अपना सिलेबस ऑन करके देखेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे जो भाग एक आपका है उस भाग एक में ही है ना, भाग एक में आपके भाग एक में जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम है उसमें आप जाकर के देखिए पॉइंट 3 कुपोषण वृद्धि निगरानी एवं वजन त्योहार दिया हुआ है। पॉइंट 4 शिशु एवं मातृ मृत्यु दर टीकाकरण रोग प्रतिरक्षण दिया हुआ है। पॉइंट 5 बच्चों को होने वाली बीमारियां एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियां ये दिया हुआ है। इस तरीके से आप जहां भी देखेंगे आप महिला परीक्षा के सिलेबस में आपको बच्चों को बच्चों के सुपोषण सुपोषित करना, कुपोषण को दूर करना, उनके पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपके जितने मिनरल्स होते हैं उसमें विटामिन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब देखें रोग प्रतिरक्षण तो रोग से लड़ने के लिए विटामिन सी आपको बॉडी में चाहिए, इसलिए जब कोरोना हुआ था तो जो भी डॉक्टर था वो जिंक का टैबलेट आपको लिखता था, विटामिन सी का टैबलेट लिखता था, चूसने वाला च्यूएबल टैबलेट है ना, यस क्यों लिखता था कि आप विटामिन सी जब लेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो विटामिन ही है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए विटामिन से हर साल क्वेश्चन पूछा गया फीमेल सुपरवाइजर में। इसीलिए मैं बोला कि भैया क्यों चुकेंगी हमारी महिलाएं, उन सबके हित को ध्यान में रखते हुए, या आप किसी भी और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो सबके लिए महिला परीक्षक में विटामिन का सामान्य विज्ञान मैं लेकर के आया हूँ। सीजी व्यापम के इसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाहित है, मतलब ये कोई ऐसा ही नहीं है कि लेके आगे उठा लिया, नहीं, इसमें जो विटामिन के क्वेश्चन है वो सब के सब सीजी पेपर में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको समाहित किया गया और उनके आधार पे नए क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनके ऑप्शंस से एनालिसिस के बाद उनको भी समाहित किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब इसमें समाहित है और इसका पढ़ रहे हैं आज पार्ट 1, तो लगभग इसका 7-8 पार्ट में पढ़ा दूंगा आपको। और हर एक पार्ट पढ़ने के बाद आपको विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंख मूंद के टिक मारेंगे और एग्जाम से निकल जाएंगे कि सही होगा, इसलिए मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ते चलिए। अभी तक जो हमारा पैटर्न रहा है आप जानते हैं सर, हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, आंसर कमेंट में कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद हम देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। सही है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गलत होता है तो हमारा दिमाग क्लिक कर जाता है कि इसका आंसर मैंने ये लिया तो हमारा सही आंसर ये है, तब ये गलती एग्जाम में नहीं होगी। ठीक, तो आप वीडियो देखिए, उसमें क्वेश्चन सुनिए, ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर टाइप कीजिए, वीडियो प्ले करके आंसर मैच कर सकती है। और ये करना ही प्रोसेस है, जो महिलाएं हमसे डेली जुड़ रही हैं उनको प्रोसेस पता है। तो चलिए आप लोगों के हित में एक और नई सीरीज अधिनियम मैंने पढ़ा दिया है ना, आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, अभी विटामिन वाले भी आपके सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके लगभग सब हम बोले ना हर एक सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सब सेक्शन को रिफाइन कर लेंगे आपके एग्जाम होते तक। आइए चलते हैं, और उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना मैं दे देता हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे महिला परीक्षक हैं उनके लिए मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खुद मेरी निगरानी में, खुद जो महिला सुपरवाइजर रही हैं उनकी निगरानी में और हमारे सीनियर फैकल्टीज की निगरानी में एक बेस्ट क्वालिटी का टेस्ट आपके लिए जनरेट किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट अगर जब आप टेस्ट का पैकेज लेंगे तो आपको 1500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। नया जो सिलेबस में बदलाव हुआ उस सिलेबस के अनुसार आपको संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे कि आप कोई टॉपिक पढ़ लिए तो उसके अनुसार आप टेस्ट दे सकें, और विगत वर्ष के प्रश्नों को भी इसमें संग्रह किया गया है। और ये सारे टेस्ट आप अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में आपको उपलब्ध होंगे, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी बिल्कुल फ्री में। और ऐप इसलिए भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अभी ही बिल्कुल फ्री में अर्जुना के इस डिजिटल ऐप में आपको बिल्कुल फ्री में इंडियन जीएस, सीजीजीएस, मैथ्स ओरिजिनिंग के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री, तो जुड़ जाइए इस टेस्ट सीरीज से, इस ऐप को डाउनलोड करके। मरवाते हैं इस टेस्ट के ऊपर, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये जो नंबर दिख रहा है 6260940025 इस नंबर में कॉल करके शुरुआती 25 छात्राओं को अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और कौन सा मॉडल ज्वाइन करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, मॉडल मैं बता दूंगा अभी इसके बाद कौन सा मॉडल ज्वाइन करो, मॉडल लिखवा देंगे, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, तो नाम, अपना नंबर और मॉडल 1, 2, 3 जो उनको चाहिए वो लिखवा देंगे। तो जो भी ऐसी छात्राएं अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेंगे इस नंबर पे कॉल करके, उनमें से 25 छात्राओं को ही बस यह 299 एंड 499 पे फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल एंड थर्ड मॉडल उपलब्ध होगा। अब ये मॉडल क्या है सर? इस पूरे महिला परीक्षा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अर्जुना क्लासेस ने 3 अलग अलग खंड में बांटे हैं ताकि कोई भी बच्चा है तो वो आजाद रहे कि उसको किस कैटेगरी में ज्वाइन करना है। अगर कोई चाहता है सर मुझे भाग एक की जितनी भी योजनाएं हैं अधिनियम उसको पूरा सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए कि 2-3 योजनाएं मिला करके पूरे टेस्ट बन जाए, एक अकेले योजना में बहुत सारा क्वेश्चन है तो अकेले उस योजना का टेस्ट बन जाए, अधिनियम मिला करके टेस्ट बन जाए, इस तरीके से पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट देना है, पूरे भाग एक का योजना अधिनियम का कंप्लीट टेस्ट देना है, तो लोगों 500 से अधिक क्वेश्चन का संग्रह होगा इसमें,
और दोस्तों आपको केवल 299 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। शुरुआती 25 छात्राओं को, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। मगर कोई चाहते नहीं सर मेरे को ये तो ले ली मैं और मैं कहीं और ज्वाइन कर चुकी हूँ, मुझे चाहिए सर कि मुझे मॉडल पेपर दे दीजिए आप। सीजी व्यापम जैसा फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम लेगा वैसा आपको मॉडल पेपर ज्वाइन करना है, तो वैसा 10 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध होंगे मॉडल 2 के टेस्ट सीरीज में। और हर एक इस 10 में से हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक टेस्ट में 2 घंटे का समय रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, जैसा कि आपके महिला परीक्षक के एग्जाम में आपका लिया जा रहा है व्यापम द्वारा, तो सेम उसी के आधार पर बन रहा है। इसमें आपके पांचों भाग के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे फीमेल सुपरवाइजर का पेपर होगा वैसा ही रहेगा ये 10 मॉडल पेपर। ये भी 299 में उपलब्ध होगा शुरुआती 25 छात्राओं को ही, जो कॉल करके नाम नंबर और मॉडल लिखवा लेंगे। ठीक, मगर किसी को चाहिए नहीं सर मैं ये सब नहीं जानती, केवल भाग एक 10 मॉडल नहीं, मुझे तो दोनों की तैयारी करनी है सर, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो सीरियसली वो मॉडल 3 का 3rd मॉडल ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कंप्लीट 1st मॉडल और 2nd मॉडल कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। इसमें आपको यह भाग एक की पूरी योजना अधिनियम के टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ ये 10 मॉडल पेपर भी मिलेंगे इस 3rd मॉडल में। तो जिनको दोनों ही चीज चाहिए वो 3rd मॉडल में जाएंगे। और यहाँ एक और बेनिफिट है, ये अकेले 300 का हो रहा है, ये 300 का हो रहा है, 600 हो गया, अलग अलग ज्वाइन करते हैं आप, तो मगर इसको ज्वाइन करते हैं तो दोनों आपको 500 में मिलेगा, तो 100 रुपये और सेविंग भी है आपका, मतलब 250 में आपको टेस्ट उपलब्ध हो जा रहा है और कंप्लीट आपका टेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन, 1500 से अधिक क्वेश्चन, यहाँ लगभग 1000 क्वेश्चन, यहाँ 500 से अधिक क्वेश्चन, तो 1500 से अधिक क्वेश्चन आपको मिल गए तो उससे पर्याप्त आपके लिए और टेंशन नहीं है, आप एग्जाम के लिए पूरा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, आप अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे, गारंटीड है। और बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं, इसमें खुद मैं अपना गाइडेंस दे रहा हूँ, खुद हमारे जो फीमेल सुपरवाइजर रही हैं अभी वर्तमान में वो अपना गाइडेंस दे रही है, हमारे सीनियर फैकल्टी गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत उच्च कोटि का टेस्ट बन रहा है। इसलिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इस 299 में आप ज्वाइन कर लीजिए जो हमारी महिलाएं हैं। और जो बुक है वो आपके नजदीकी बुक स्टोर में उपलब्ध हो चुका है, उससे भी अपने आपको जोड़ लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे, और जिनको वीडियो कोर्सेज चाहिए 3 मॉडल में कोर्सेज बनी हुई है, भाग एक वाला जो है उसका 999 में, भाग 2 से 5 का वाला 1499 में, और भाग 1 से 5 कंप्लीट वाला 1999 में टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। क्लियर होगी बात, वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, वीडियो कोर्सेज टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट्स सब मिल रहे हैं। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं विटामिन की दुनिया में। विटामिन की दुनिया में आपको बता दूं मैं, सूचना खत्म, जिनको जानकारी चाहिए थी। अब आते हैं विटामिन की दुनिया में, विटामिन की दुनिया में सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का थोड़ा जानकारी लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब आपको याद कैसे होगा, अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको रटा हुआ है कि नहीं, ए रटा हुआ है ना, ए फॉर एप्पल रटा हुआ है ना, तो ए फॉर एप्पल रटा हुआ है ना, रेटिनॉल अब याद रहे जीवन भर, भूल ही नहीं सकते इस क्लास में, यही हम याद करेंगे सब चीज, ठीक है। और इसी ए की कमी से क्या रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है क्या, रतौंधी, क्या रतौंधी। तो कैसे बोलेंगे आप, ए मेरे से पंगा मत लेना वरना मैं तुझे रौंद दूंगा, ए ए मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं तुझे रौंद दूंगा से रतौंधी रोग होगा, ए माने विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। रतौंधी मतलब रात धन औंधी, रात में अंधा हो जाना, मतलब रात में आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से प्रकाश की कमी में, इसे बोलते हैं रतौंधी। और इसका सोर्स क्या है कि क्या चीज आप खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, तो आप खाइए गाजर, दूध, अंडा, फल, इसमें गाजर आप बार बार जानते हैं, है ना, ठीक, कैसे याद रहेगा, अरे अब देखिए ना खरगोश गाजर खाता है दो दांतों से, हाँ ऐसे खाता है तो इसलिए उसका आंख बहुत तेज होता है ना, कहीं के दूर कब देख लेता है बहुत तेज 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 दौड़ के जाके वो खोदने लगता है मिट्टी से, यस ऐसे याद रखिए गाजर दूध अंडा फल, ठीक, तो गाजर दूध अंडा फल में रहता है विटामिन ए। क्लियर हो गई बात, चलिए अब चलते हैं आगे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं विटामिन ए से जुड़ा हुआ, हम बोला ना बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि आप बहुत एक्यूरेटली पढ़ सके, विटामिन ए से जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं व्यापम में उनको एक साथ ले आया गया ताकि आपको टेंशन खत्म, हर एक सेक्शन वाइज बोला ना, यही फायदा हमारे, सोचिए जब ये टेस्ट हम ऐसा फ्री में ऐसा टेस्ट दे रहे हैं तो जिसमें हम पेड कर रहे हैं, जिसको पैसा ले रहे हैं आपसे, भले ही बहुत कम प्राइस लिया जा रहा है, तो सोचिए उसकी क्वालिटी कैसी होगी। आइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या, अभी आप देखिए क्या बोले, ए बी सी डी मुझसे क्या है, रट्टा मरा गया, पूरा ए बी सी डी रट्टा मरा गया मुझसे, ए बी सी डी रट्टा मरा गया, रट्टा 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 मरा चुका है, रट्टा हुआ है मेरा, तो ए का रेटिनॉल। क्लियर हो गई बात, ठीक है, आइए तो आंसर है रेटिनॉल, कोई टेंशन ही नहीं है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन सुनना है, आंसर अपना बताना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा और यहीं याद करवाऊंगा हर एक चीज, कोई बाहर का टेंशन नहीं। आइए, मानव शरीर में, क्योंकि देखिए इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हर एक कैटेगरी में, क्या ऐसे नॉर्मली पढ़ते रहेंगे तो कंफ्यूजन होना लाजमी है,
है ना, लाजमी है कि तुम इनसे मोहब्बत ना करो, क्योंकि ये तुमको कंफ्यूज करके फेल करवाएंगे। इसीलिए इनको अलग अलग टेक्निक से, ट्रिक से खेलते खेलते मजे मजे में याद कीजिए। जैसे देखिए, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि मानव शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे खुजली होने लग गया, कोई दाद होने लग गया, कुछ भी इचिंग होने लग गया, तो वो जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आपको तो पता है सर, आप विटामिन ए पढ़ा रहे हो, ए होगा, ए होगा। चलिए, विटामिन ए जरूरी है, ठीक है, मगर आप इसको याद कैसे रहेंगे आप, है ना? ऐसे याद रहेगा, इन्फेक्शन, क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन को नहीं बोलेंगे, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से ए फॉर विटामिन ए, इन्फेक्शन से इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन हो गया। चलिए, तो विटामिन ए से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसलिए जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो विटामिन ए का टैबलेट आप खा सकते हैं, मगर खुद से ना खाइए, डॉक्टर की सलाह पे खाइए। हाँ, हालांकि आप गाजर, दूध, अंडा केला खाइए तो नेचुरली मिलेगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। सो द राइट आंसर इज, मेरे दोस्तों, विटामिन ए। अभी बताया, विटामिन ए आपको इन्फेक्शन से रोक रहा है, इन्फेक्शन से मतलब आपको रक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर, इन्फेक्शन से मेरी रक्षा कर रहा है, इन्फेक्शन से मेरी रक्षा कर रहा है, तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा देता है? विटामिन ए, ठीक। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? विटामिन सी, ठीक, ऐसे याद रहेगा। ए इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन, और उससे इन्फेक्शन से मुझे रक्षा दे रहा है इन्फेक्शन, विटामिन ए ही, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। क्या खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा? मैं खरगोश साल खाने बनाया था, खा रहे थे। हाँ, बस 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 याद कीजिए, यस, गाजर, हाँ, क्लियर। आइए, माँ बोलो ना, एक बार आप उस पैटर्न को पकड़ लेंगे ना कि कैसे पढ़ना है एंजॉय के साथ, तो फिर सब आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए बोझ मत लीजिए, जब आप मेरी क्लास सीख रहे हैं, कॉपी किताब बंद कीजिए, बस एंजॉय करके सुनते रहिए। सब एग्जाम दिमाग में आपको छाप दूंगा, एग्जाम जाएंगे फट से आपको याद आएगा, सर ऐसा एक्टिंग के थे, वैसा एक्टिंग के थे, ये सारे नाटक मेरे को पूरे नचवा दीजिए आप लोग, मगर आप एग्जाम में सही करके आइए, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब विटामिन ए आप खा तो लिए, गाजर खा, विटामिन ए आपके शरीर में चला गया, मगर जाके कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे उसका भंडारण होगा, कहाँ जाके स्टोर होगा शरीर में? क्वेश्चन समझ में आ गया, बताइए। वो आपके यकृत में स्टोर होगा, आपके त्वचा में स्टोर होगा, आपके फुफ्फुस में स्टोर होगा, या आपके वृक्क में, किडनी में स्टोर होगा? इनमें से किस स्थान पर जाकर के विटामिन ए स्टोर होता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, और हम हर एक चीज यही याद करेंगे। इसका सही आंसर मेरे दोस्त, यकृत में। अब आप कैसे बोलते छत्तीसगढ़ी में, ए मोरले पंगा मतलब ए, ए ए फॉर ए, या फॉर यकृत, याद हो गया कि नहीं? हाँ, पंगा मतलब है विटामिन ए खा के आए हो, क्लियर हो गया ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? अब विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है बताइए? फंक है, मैक्यूलन है, हॉपकिंस है, हॉलकट है? बोला विटामिन ए से संपूर्ण जानकारी हो जाएगा आपको। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन है तो खा रहे हैं, प्रतिरक्षा के लिए खा रहे हैं, है ना भैया, उसको स्टोर करना है। ये ए मुरले पंगा, ए ए विटामिन ए, और यस यकृत, ए जाके यकृत में स्टोर होता है, सब याद हो जाएगा यहीं पे। अब उनकी ए और बी के आविष्कारक कौन है? हर नाम दिया है सिंगल सिंगल, इसका मतलब जो ए की खोज करते हैं वही बी की भी खोज करता है, तो एक तीर से दो निशाना, दोनों याद हो गया आपको, ए बी सी डी में भी दोनों याद हो गया। खोज करता कौन है? हमारी वाली आंसर टिक मारिए, चलिए फटाफट। सही आंसर है मैकुलन जी। कौन? मैकुलन। अब आता है उसी शायरी का, आपको वही शायरी फिर से वापस आएगा। ए मोरले पंगा मतलब ए, ए यस यकृत में स्टोर होता है, और कौन खोजा था? मोरले, म से मोरले पंगा मतलब है, तो म से मोर, म से मैकुलन, तो ए मोरले पंगा मतलब ए मोरले पंगा बन गया, ए फॉर विटामिन ई, या फॉर यकृत में स्टोर, मोर से म से मैकुलन, क्लियर हो गया। यस, ए मैं बहुत कूल हूँ, ए मैं बहुत कूल हूँ, ए मैं बहुत कूल हूँ, ऐसे बोल लीजिए। चलिए, बोला यही याद होगा, कभी भूलेंगे जीवन में, भूल ही नहीं सकते आप। अब अपने बच्चों को कहानी सुना सकते हैं इस तरीके से। परजीनी फसल, ट्रांसजेनिक क्रॉप, स्वर्ण चावल, ठीक है। तो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीनी फसल, जिसको स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, उसकी वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। मतलब इस गोल्डन राइस को क्यों तैयार किया गया है? ये नेचुरली नहीं थे, इसको अलग से मॉडिफाई करके बनाया गया, इसके जीन्स में परिवर्तन किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया इसके जीन्स को, चावल के जीन्स को।
तो ऐसा क्यों किया गया, किस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस गोल्डन राइस से आपको क्या चीज प्राप्त होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन और लाक्षणिक मंड। तो आप किस लिए इसको किए थे, हम विटामिन ए ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसी बात है विटामिन ए की प्राप्ति के लिए गोल्डन राइस या स्वर्ण चावल, तो दोनों ही नाम पूछेगा, गोल्डन राइस को गम में हो की मात्रा गोल्डन राइस भी लिख के पूछता है एग्जाम में, तो गोल्डन राइस स्वर्ण चावल विटामिन ए से भरपूर होता है, जो गोल्डन राइस खाता है उसके विटामिन ए बना रहता है। क्लियर हो गया बात, चलिए अगला क्वेश्चन। लगातार क्लासेस ले लेंगे ना, मेरी आवाज कुछ चोक हो गई है, तो अगर मेरी आवाज मधुर ना लगती हो आपको, कर्कश लगती हो, तो क्षमा कर दीजिए। और हाँ, क्षमा से याद आया कि कभी कभी ना इंसान है, देखिए हम सब इंसान हैं, कंप्यूटर तो है नहीं, तो हर एक इंसान से एरर्स होते हैं। मुझे इतनी सारी आपकी क्लासेस लेनी है, आप कमेंट करते रहते हैं सर रीजनिंग कराइए, सर इसका लाइए, सर इसका लाइए, अब उतनी सारी क्लासेस रेडी करना है, कंटेंट निकालना है, देना है टाइपर को, टाइपिस्ट को टाइप करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट क्रिएट करने के लिए, स्लाइड बनाने के लिए, इसमें एनिमेशन लगाने के लिए, इतना सब जब काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रिंट मिस्टेक हो जाती है। और उस प्रिंट मिस्टेक को लेकर के आप बाकी पूरे क्लास को जज मत किया कीजिए, इतने भी छिद्रांड में सीमित बनिए कि वही वाला कहावत है, एक गिलास में आधा पानी भरा है तो आप वो खाली हिस्से को क्यों देखते हैं, जो भरा हुआ उसको देखिए ना, कि आपने कितना ज्ञान अर्जन किया। एक आध अगर प्रिंट मिस्टेक होता है और आपको सही आंसर पता है तो कमेंट में बहुत विनम्रता से बता सकते हैं। मगर मैंने देखा एक मैडम का टाइपिंग का लैंग्वेज कि सर इसका आंसर गलत है, गलत क्यों पढ़ाते हैं, मतलब आपको समझना चाहिए कि आप किन से बात कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट बने रहना चाहिए कहीं किसी भी रिश्ते में, चाहे माँ बेटे का हो, दोस्त यारी का हो, पति पत्नी का, हर एक रिश्ते में, तो ऐसे गुरु शिष्य के बीच भी रिश्ता बना होना चाहिए। आप ब्लेम मत कीजिए, ह्यूमन एरर सबसे होती है, क्या आपसे जीवन गलती नहीं, एरर होती है ना भाई, टाइपिस्ट से गलती हो गई और मैंने फुल फॉर्म बोल दिया उसको, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता कितने क्वेश्चन आप कितना ध्यान में रखे हुए, क्योंकि हम तो सही सही देखे हैं, हमको कॉन्फिडेंस है कि जो इसमें होगा वो सही है, तो हम एक क्रॉस चेक कर बार बार नहीं कर सकते, हम उसको बोल दिए मुझसे जब गलत है आपको सही पता, तो आप विनम्रता से लिख दीजिए कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, ये फैक्ट है, इस क्वेश्चन को आप सुधार कर लेंगे, मैं भाई उसमें लिखता भी कि हाँ भाई ठीक है सही बात, तो सिर्फ विनम्रता से बोल दिया कीजिए, है ना, अच्छे लैंग्वेज में। क्लियर हुई बातें, तो याद रखिए कभी भी सामने वाले में कमी देखने से अच्छा है कि अच्छाई देखिए। 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एक क्वेश्चन गलत है तो उसको मत देखिए, 19 क्वेश्चन जो अच्छे पढ़े, अच्छे क्वालिटी के पढ़े, किस तरीके से पढ़ाए गए हैं, जो याद हो गए हैं उसको देखिए, ठीक है, उसके आधार पर जज कीजिए, इतना ज्यादा जजमेंटल मत बनिए, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो बताइए कौन है प्रचुरतम स्रोत। अब मैं चाहता था उनका नाम ले लेता मगर नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं बोला ना कि ये मेरी विनम्रता है कि मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी हमारे छात्र हैं उनको भी बोलने का, बस उनके बोलने का तरीका खराब लगा मुझे, इसलिए मैंने उनको बताया कि अगर वो सुन रही हैं तो अपना आदत सुधार लें, कुछ गलत हो जाता है तो उसको सुधार के कमेंट बॉक्स में विनम्रता से लिख दीजिए, ताकि बाकी अन्य बच्चे कमेंट पढ़ के उसको सही नॉलेज को ले लें, ठीक है। चलिए, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, सेब, पपीता, अमरूद और आम। अब बताइए, आप गाजर गाजर पढ़ रहे थे, अब क्या हुआ, आंसर टाइप कीजिए। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, सेब में, पपीता में, अमरूद में, आम में, बोलिए। आंसर है आम। अब ये याद कैसे होगा सर, वो ऐसे याद होगा कि अब बचपन से पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, अब उसको चेंज कर दीजिए, आप छत्तीसगढ़ी हैं और आप क्या बोलेंगे, ए फॉर आमा, हाँ ठीक है, ए फॉर आमा, ठीक चला, तो ए फॉर आमा याद रखना है, आपको छत्तीसगढ़ी है तो भाई ए फॉर आमा, ठीक है। तो विटामिन जो आम है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, इसलिए सीजन में जब आम आए भरपूर खाइए। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस का एक प्रचुरतम स्रोत किसका, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, बताया रात में अंधा हो जाएंगे अगर आप विटामिन ए नहीं खाएंगे, है ना, ए में रात में अंधा हो जाए, अगर विटामिन ए नहीं खा, तो विटामिन ए नहीं खाएंगे तो रात में अंधे हो जाएंगे, तो जैसी बात है रतौंधी रात में अंधे हो जाएंगे विटामिन ए नहीं खाएंगे, तो चलिए तो आंसर विटामिन ए हो गया। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है, कुछ कुछ होता है, बालों का झड़ना होता है, पेचिस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कमजोरी होती है, क्या होता है भाई, हाँ ये वो कुछ कुछ होता नहीं था, विटामिन ए की कमी होगी तो कुछ कुछ होता है, यहाँ नहीं जाएगा भैया ये, ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपके बाल झड़ जाएंगे, पेचिस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, कमजोरी होगी। फिर देखिए, रात में अंधा, रात को बोलते हैं इंग्लिश में नाइट, अंधे को बोलते हैं ब्लाइंड, तो नाइट ब्लाइंड कहाँ दिख रहा है आपको, यस सर, आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन कैसे पूछे, आप अपने दिमाग को खुश रखिए, सब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब ए वाला हम पढ़ लिए जितना पूछा था, फटाफट रिवीजन करा दे, ए
ए मोर लिपंगा मतलब है, तो ए य विटामिन ए यकृत में स्टोर होगा, मोर से हो गया, मैकुलर ने इसकी खोज की थी ए और बी की, ठीक है। विटामिन ए अब आप कैसे याद रखेंगे, ए मोला रात में नहीं दिखे, मैं रात में अंधा हो जाता, ए रतौंधी रात में अंधा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। गोल्डन राइस आप खाते हैं तो भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, ए गाजर से मिलता है, दूध से मिलता है, केला से मिलता है, अंडा से मिलता है, विटामिन ए आम से मिलता है, क्लियर हो गया बात। चलिए प्रतिरक्षा के लिए अच्छा होता है, इन्फेक्शन के लिए अच्छा होता है, ठीक। चलिए अब आते हैं विटामिन बी की बारी हो गई, विटामिन बी से जानकारी ले लीजिए कि विटामिन बी का बहुत सारा कैटेगरी है, विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन, ठीक है, ठीक, बी ट्वेल्व, इतनी सारी आपकी बी की है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी इसकी जानकारी ले लीजिए। आइए कि विटामिन बी में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसलिए विटामिन बी को क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का गोली मतलब कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसमें बहुत सारे विटामिन मिले हुए हैं, तो बी में अपने आप में बहुत सारी कैटेगरी है, बी वन बी टू बी थ्री ऐसे, इन सबसे मिलकर बना विटामिन बी, समझिए अलग अलग इसमें विटामिन बटे हुए हैं बी वन बी टू बी थ्री, और सबका अलग अलग फायदा भी है, यस, भले बी के अंदर आ रहे हैं मगर इसके सब में कोई अलग अलग फायदा है इनका, क्लियर होगी बात। आइए तो विटामिन बी की जानकारी तो अब ध्यान से पढ़िएगा, इसकी थ्योरी ही अपने आप में जो है उससे भी क्वेश्चन अटैक बनेंगे, तो थोड़ी देर जानकारी रखिए कि विटामिन बी वन पर फोकस करते हैं। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, है ना, क्या है, बी वन के थमजा, क्या बी वन में थमजा, ओए थमजा, है ना, ओ भाई वन, क्या बोलेंगे, ओ भाई वन थमजा, इतना हड़बड़ी में क्यों है, ओ भाई वन, ओ भाई वन, बी फॉर भाई वन फॉर वन, तो भाई वन थमजा, तो बी वन का थायमिन नाम है, थायमिन, क्लियर हो गया। याद कीजिए क्योंकि अलग अलग नाम है, बी टू का नाम अलग है राइबोफ्लेविन, बी थ्री का नाम अलग है निकोटिनमाइड या नियासिन, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, कन्फ्यूज होंगे, इसे सबके लिए पीछे ट्रिक रखी है ना, और जब आप पढ़ लेंगे बार बार तो आपको कैसे याद हो जाता है, बी वन का थायमिन, बी टू का राइबोफ्लेविन, बी थ्री का नियासिन, है ना, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। मगर अभी शुरुआत जिनको नहीं पता है वो ऐसे याद कीजिए, भाई वन थमजा, भाई वन, भाई वन थमजा, क्लियर हो गया, यस सर हमें नाम याद हो गया, बी वन थायमिन, बोला नहीं याद करना है क्लास में। आइए विटामिन बी वन की कमी से क्या रोग होता है, तो बेरी बेरी, बी फोर विटामिन बी, बी फोर बेरी बेरी, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है, कैसे याद रहेगा, बी वन में ही बेरी बेरी है, कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा कि बी फोर एक फोर एक बार बी वाला बी के बदले हो गया बेरी, और बोल रहे एक बार और वन वन एक बार और, तो फिर से लिख दिया बेरी, तो बी वन में दो बार बेरी बेरी हो गया, यस, एक तो इस बी का बेरी था, बोले एक बार और चाहिए, वंस मोर बी वन, वंस मोर, तो एक बार और बेरी लिखा दिया, इसलिए बेरी बेरी, तो विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है मूंगफली आलू सब्जियां, तो मूंगफली दबा के खाइए और आलू की सब्जी खाइए तो आपको भैया मिल जाएगा विटामिन बी वन, क्लियर हो गई बातें, तो मूंगफली खाइए मूंगफली, क्लियर। चलिए विटामिन बी टू, अब सर अब इसको नहीं रटवाए, अरे इसको मत रखिए अभी, मैं बोलूँ जहाँ आपको रटाना रटवाऊंगा, इसको नॉर्मल देखिए मूंगफली खाना है मुझे। चलिए विटामिन बी टू, बी टू में का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, क्या है, राइबो राइबो, क्या बोल रहे हैं, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, कैसे याद रहेगा बोलिए, बी टू बी टू बी टू राइबो, बी टू राइबो, दोनों खींचिए, तो टू बो, तो टू बो, ठीक है, तो बी टू राइबोफ्लेविन याद रहेगा आपको। चलिए ऐसे याद रखो, टू बो सर ऐसे बताए, टू बो करके, हाँ, तो बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी बी वन की, मगर बी टू कमी से होता है आपके त्वचे का फटना, फट जाना, आंख का रोग होता है, इसको एग्जैक्ट अभी याद मत कीजिए, बस हल्का हल्का देखिए, इनके रासायनिक नाम से क्वेश्चन आपका मिलनी बनेगा, ये जो है इसको भी उतना डिटेल नहीं पूछेगा, इसको हल्का हल्का ध्यान में रखते चलिए, धीरे धीरे याद होगा ये। तो बी टू में है त्वचा फटना आंख का रोग, त्वचा फटना आंख का रोग, ठीक है, त्वचा फटना आंख का रोग, आंख मेरे दो होती है तो दो से बी टू में वो बीमारी हो गया, त्वचा का फटना, ठीक है। अब त्वचा का फटना कब बोलेंगे, जब त्वचा फटेगी तो जहां से ही फटेगी वहां से दो हिस्से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ सर, त्वचा अगर ऐसे फटी तो इसके दो हिस्से बनेंगे, इधर का एक इधर का, यस सर, तो दो, बी टू से ही त्वचा फटा तो दो हिस्सा बनेगा, त्वचा फटा तो दो हिस्सा बनेगा, हो गया याद, बोला नहीं याद मैं सब करवा सकता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हैं अगर पढ़ाई को तो सब याद हो जाएगी। चलिए इसका सोर्स क्या, बी टू के लिए आप खाएंगे अंडा दूध हरी सब्जी है, विटामिन ए के लिए भी अंडा दूध खा रहे थे याद कीजिए, विटामिन ए के लिए अंडा दूध मैं खा रहा था सर, इसे विटामिन ए मिलता था, ए आँख के लिए अच्छा था, यहाँ मैं अंडा दूध खा रहा हूँ तो भी आँख के लिए अच्छा है कि नहीं है, यस, क्योंकि इसकी कमी से आँख का रोग हो रहा है, और अंडा दूध खाएंगे तो आँख की आँख का रोग होगा ही नहीं, अब समझे आप, तो
देखिए बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है, लिंक करके पढ़िए। जब मुझे आँख आँख की कमी है, आपके आसपास किसी को आँख में दिक्कत हो रहा है, तो बोलिए अरे भाई विटामिन ए खाओ, विटामिन बी टू खाओ। कैसे खाओ? तो बोलो गाजर खाओ, अंडा दूध खाओ, ठीक, केला खाओ, हरी सब्जी खाओ। चलिए विटामिन बी थ्री, अब बी थ्री की बारी है। तो बी थ्री ई लगा ना, बी थ्री मैं ऐसे याद किया था बचपन में याद किया था, अभी तो याद है। बी थ्री में ई और निया नी, बी थ्री नी, ठीक है, ई नी दोनों में ई, तो बी थ्री ई नी नी। तो बी थ्री में ई की मात्रा ई से ही बन गई, निकोटिनेमाइड और नियासिन, तो नी से नी से बन गया, ई की मात्रा से ही बन गया, तो निकोटिनेमाइड और नियासिन, ई बी थ्री ई से निकोटिनेमाइड और नियासिन, नियासिन हो गया। चलिए पेंटोथेनिक अम्ल कमी से रोग, और इसी को बी थ्री को बोल रहा है किसको, एक तो एक सर रासायनिक नाम क्या हो गया आपका, नियासिन हो गया, निकोटिनेमाइड हो गया, और पेंटोथेनिक एसिड बोल रहा है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, पर उस चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, इससे कमी से क्या रोग होता है, विटामिन बी थ्री की कमी से रोग होता है पैरों में जलन, क्या पैरों में जलन, ठीक है ना, और बाल का सफेद होना। तो जैसे मेरे कुछ कुछ बाल सफेद हो गए हैं, तो मेरे विटामिन बी थ्री का कमी है, ठीक, मेरे पैरों में अगर जलन हो रहा है तो विटामिन बी थ्री की कमी है, याद रहेगा आपको। अब सर कैसे याद रहेगा, अरे भाई ऐसे याद रहेगा, पूछो कैसे याद रहेगा, अरे सर ऐसे याद रहेगा, ऐसे कैसे, बस हो गया इतने याद रखो, पैरों में जलन और बाल का सफेद होना, ठीक है, कैसे याद रहेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए पैर मेरे कहाँ है, दो, दो पैर नीचे, और सर मेरे कहाँ है ऊपर, तो दो पैर नीचे सर एक ऊपर हो गए, तीन हो गया ना, क्या एक सर ऊपर पैर दो नीचे, सिर्फ टॉप चीज लेंगे बीच का नहीं, एक नीचे का एक ऊपर का, ऊपर एक सर है और नीचे दो पैर है, तीन हो गए, तो भाई बी थ्री। और मैंने क्या पकड़ा, पैर पकड़ा, तो पैरों का जलन, और एक पकड़ा ऊपर का सर, सर में बाल सफेद होना, लीजिए हो गया ना, बस ऐसी टेक्निक रखिए ना आप, चलते चलिए अब। इसलिए वही आपको मांस दूध टमाटर मूंगफली खाना है, तो इस सब मूंगफली में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसे रखना नहीं, इसलिए बोला ना रखिए मत, इसमें आप खाएंगे लगभग सब चीज रहता है उसमें। और आते विटामिन बी फाइव, तो देखिए बी वन बी टू बी थ्री के बाद बी फोर नामक कोई विटामिन नहीं है, क्या बी फोर नामक कोई विटामिन नहीं है, तीन है, वन टू थ्री फोर नहीं, वन टू थ्री फोर नहीं, याद रखिए कई बार दे देता है बी फोर करके, तो आपको याद रखना बी फोर है ही नहीं, वन टू थ्री फोर नहीं, वन टू थ्री फोर नहीं, तो बी फोर नामक कोई विटामिन नहीं है, सीधा आएगा बी फाइव। विटामिन बी फाइव जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, मैं बोला ना वही तुम्हें डाउट हो रहा था, वहां जो पेंटोथेनिक अम्ल लिखा है वो फिर प्रिंट मिस्टेक है, देखिए पेंटोथेनिक अम्ल ये गलती से लिखा है, बी थ्री में नहीं, बी थ्री का नियासिन और निकोटिनामाइड ही है, पेंटोथेनिक अब बी फाइव का ही, क्योंकि मुझे याद कैसे रहा, क्योंकि प से पांच होता है, प से पांच होता है, प से पेंटोथेनिक, ऐसे याद किया था मैं, इसलिए मुझे याद रहा, प से पांच होता है और प से पेंटोथेनिक है, हो गया, ऐसे याद रखा था मैं, ठीक। चलो ऐसे पेंटो को मतलब पांच ही होता है, तो प से पांच बी फाइव, प से पेंटोथेनिक। चलिए कमी से क्या रोग होता है, बी फाइव की कमी से होता है मासिक विकार या पेलाग्रा, तो बी फाइव बहुत घातक है भैया, विटामिन बी फाइव की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके मासिक विकार होते हैं, दिमाग असंतुलित होता है, पेलाग्रा की बीमारी होते हैं, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा, देखिए अगर ये पांच उंगली जो है तो अभी कुछ दिक्कत की बात नहीं, मगर पांच उंगली जो मैं इकट्ठा करूं और मार दूं एक मुक्का, तो क्या होगा, मेरा दिमाग पागल हो जाएगा, सर मारूंगा जोर से मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे दिमागी बीमारी हो जाएगा। तो जब पांच उंगली मिलेंगे और सर पर मारेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मासिक विकार उत्पन्न हो जाएगा, इससे पांच उंगली के मिलने से, पांच उंगली के मिलने से मासिक विकार उत्पन्न हो जाएगा, कोई मार देगा तो पांच उंगली इकट्ठा करके, ठीक। चलिए और छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं मारने को, मोला पेल दीस बोलते हैं ना, और मोला पांच मुक्का पेली से मार, हाँ पांच मुटका मारी से, पांच मुटका पेली से, हाँ तो पांच मुटका पेलीस, जिससे पांच मुटका पेलीस मतलब मासिक विकार होगी, तब पगला हो गए है। आओ चलिए स्रोत क्या है इसका, मांस मूंगफली आलू, वही अभी तक वही देख रहे हैं। विटामिन बी सिक्स में आ जाइए, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक बोला, इतने सारे विटामिन बोला ना, अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूज होना तय है। इस वीडियो को अभी पढ़ लीजिए एक बार फिर से, इसको दो बार देखिएगा, इस वीडियो को दो से तीन बार देखिएगा, तब आपको कंटेस्ट हो जाएगा, फिर जीवन कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। विटामिन बी सिक्स रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन, क्या है, क्या है, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन याद रखेंगे, बी सिक्स पाइरिडॉक्सिन, बी सिक्स पैराडॉक्सिन सिक्स, अब देखिए बोले इसलिए बारह नाम को तो गहराई है, बी सिक्स 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 डॉक्सिन 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 सिक्स सिन सिक्स सिन सिक्स सिन, तो आपको क्वेश्चन में आंसर छुपा देना है, बी सिक्स दिया तो ऑप्शन में देखिए सिक्स 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 से क्या मैच कर रहा है, सिक्स 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 से डॉक्स 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 आ रहा है, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि हम कैसे लिखेंगे आपको थोड़ा दिखा दूँ,
लिखूंगा मैं ऐसे ही। आ जाओ भाई। हाँ काहे नाराज हो रहे हो, आ जाओ। हाँ मैं सिक्स कैसे लिखूंगा, सी आधा क स, तो कस मैच हुआ कि नहीं, आधा कस। हाँ और यहाँ भी आधा मैच हुआ नहीं, कस यस, तो सिक्स से मैच कर, आधा कस लीजिए। तो बोला ना यार क्वेश्चन में आंसर छुपा दीजिए ना, पढ़ के क्यों जाना, रट के क्यों जाना, इतना रटन क्यों मारना, क्वेश्चन में आंसर छुपा दीजिए आप। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया B6 का, हो गया पैराडॉक्सिन। इसी कमी से रोग क्या होता है, एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। एनीमिया को अच्छे से याद कर लीजिए सिक्स के साथ, ठीक है। कैसे याद रहेगा, मोर छठी एनीमी है, मोर छठी एनीमी है ना, ऐसे याद रखना है। छठी कैसे होंगे सर, एक दिशा, दो दिशा, तीन दिशा, चार दिशा, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, एक ऊपर एक नीचे, छह दिशा से मोरा दुश्मन मन घिरी ने, तो छह दिशा से मोर दुश्मन मन मोनो घेरी ने, दुश्मन को इंग्लिश बोलते हैं एनिमी, एनिमी से हो गया एनिमिया, तो छह दिशाओं से आपके एनिमी ने आपको घेर लिया, एनिमिया, ठीक। तो सिक्स में एनिमिया, और त्वचा रोग का पहले भी देखे थे, त्वचा तो फट जा रहा था, इसमें दो टुकड़े होते हैं त्वचा के, बताया था मैं, त्वचा फटेगा दो टुकड़े होंगे फटेगा तो यस, और छह में भी है त्वचा रोग, ठीक, अलग वहां फटना था त्वचा रोग है। सोर्स क्या है, दूध मांस सब्जी, वही दूध मांस सब्जी, मांस सब्जी का मुकाम है, मूंगफली आ जा रहा है, दूध आ जा रहा है सब जगह। अब आता है दोस्तों उसके बारी बार, उसके बाद बारी, देखिए एक दो तीन चार गायब, एक दो तीन चार गायब, पाँच छः सात, हाँ तो देखिए एक दो तीन के बाद चार गायब, वो फिर तीन फिर एक साथ आ गया, पाँच छः सात, तो B7 आपको याद रहेगा ना, ठीक है। B7 को विटामिन एच भी बोलते हैं, क्या B7 को बोलते हैं विटामिन एच, क्लियर की बात है। चलिए इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, बायोटीन जिसको बोलते हैं, बायोटीन का टेबलेट खाओ आपके बाल मस्त रहेंगे, नखून बहुत स्वस्थ स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हाँ वही बायोटीन विटामिन B7 बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए आ गया बायोटीन कैप्सूल बालों को, बस है बायोटीन, बस है बाल, बस है बायोटीन, बस है बाल, ठीक है, तो बस है बायोटीन, बस है बालों का गिरना, तो B1 या B7 की कमी से या बायोटीन की कमी से बालों का गिरना होता है। अगर आपका बाल बहुत झड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप में विटामिन B7 या विटामिन एच की कमी है, क्लियर हुई बात है, ठीक है। चर्म रोग, तो चर्म रोग, चर्म रोग तो सब जगह लगभग दिख ही रहा है आपको, ठीक है। विटामिन बी में सोर्स इसका यीस्ट, गेहूं और अंडा, तो है दूध, अंडा, केला, वही आप देख रहे हैं मांस, ये सब चीजें, तो सोर्स मत पढ़िए अभी, ठीक है। बस इतना याद रखिए B7 विटामिन एच बायोटिन, ठीक है, ठीक है। तो जैसे तो छह ठी एनिमी है, छह ठी का एनिमी है, वैसे तो सात ठी क्या है, सात ठी का है बाई है, सात ठी बाई है, बाई सात, बाई बाई से बाइटिन, बायोटिन ऐसे याद रखेंगे, ठीक। या सात ठीक बाल्टी है तो सात बाल्टिन हो गया, तो B7 है सात में बायोटिन, सेवन में बायोटिन, ठीक। क्योंकि जिनका बाल बहुत झड़ता है ना वो सातों दिन अपने बाल गिरने की वजह से परेशान रहते हैं, तो B7 से बाल गिरेगा तो सातों दिन आप परेशान रहोगे, सप्ताह के सातों दिन परेशान रहते हो बाल गिरने से, ऐसे याद रहेगा B7 से बालों का गिरना, क्लियर हो गया। चलिए हाय अब आगे लास्ट में देखिए, एक दो तीन चार गायब, पाँच छः सात, उस सीधा आप देख रहे हैं विटामिन बी की जानकारी में, विटामिन B12, इसको ध्यान रखिए। इसका रासायनिक नाम है B12 का साइनोकोबालामीन, B12 साइनोकोबालामीन। इसी में बोलता है कि किस विटामिन, विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, देखिए यहीं पर चल गया, कोबाल कोबाल लिखा, कोबाल मतलब कोबाल्ट है इस विटामिन में, कोबाल कोबाल मतलब कोबाल्ट है, तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, उसके नाम में दिया साइनोकोबालामिन, B12 साइनोकोबालामिन, कैसे याद रखा, इतना बड़ा नाम है साइनोकोबालामिन B12, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अक्षर, सबसे बड़ा नाम साइनोकोबालामिन B12 हो गया। चलिए कमी, B12 की कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है, ठीक है, एनीमिया रोग और पांडु रोग। चलिए इसका सोर्स है मांस, कजेली, कलेजी, ये कलेजी होगा, कजेली नहीं कलेजी, जो जानवर की कलेजी होती है वो, और दूध, क्लियर हो गया बात। चलिए हाय थ्योरी पढ़ा लिए, कि देखिए थ्योरी से ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन पढ़ाना ना थोड़ा तो क्या फास्ट फास्ट खत्म करने के लिए पढ़ाना होता है, एक्चुअली मेरा वैसे पढ़ा नहीं है, मैं थ्योरी जब आप कभी नसीब हो, कभी ऑफलाइन आप पढ़ेंगे या कभी और वीडियो कोर्स आपको परचेस करेंगे और उसमें मेरी क्लासेस आप देखेंगे, तो मैं बहुत वृहद स्तर पर पूरा खोल के एकदम आराम से चीज समझा के खत्म कर देता हूँ ताकि रटना ना पड़े फिर, तो इसलिए मेरा वो पैटर्न है। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ए रेटिनॉल है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, B1 का है थायमिन, ई का है टोकोफेरॉल,
तो सर आपने तो बहुत सारे यही बता दिया कि सर ये रट्टा मत मार, ए रट आगे है, बोला ए बी सी डी, बोला रट आगे है, तो ए रट्टा मार आगे है, याद कीजिए ए था रट्टा मार आगे है। यस, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, सी 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 एस्कॉर्बी, एस 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 सी एस सी एस, स स स साउंड आ रहा है, सी एस। हाँ, बी वन है थायमिन, तो ये माने यही आंसर हो जाएगा इसका। और टोकोफेरॉल, ये टोकोफेरॉल या टोकोफेरॉल बोले तो याद रखिए ई है टोकोफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। तो कैसे आप याद रखा, इसने बोला मत टोका कर, इसने बोला मत टोका कर, तो है इसने मैंने ई मत रोका कर, इसने बोला मत टोका कर, इसने का ई से हो गया ई, टोका कर से टोकोफेरॉल, क्लियर हो गया। टेकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल भी होता है, क्लियर। चलिए आपका आंसर मैं ही बता दिया, तो आप क्या बताएंगे। चलिए, तो इसमें से कौन सा नाम है बी का, विटामिन बी का, तो आपको पता चल गया। आइए भैया, सही आंसर है थायमिन। क्या बी का रासायनिक नाम है थायमिन, और उसमें कौन सा है बी वन का नाम है थायमिन। ए थमजा, है ना, ये बी वन में थमजा। फिर बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए मैं बोला ना आपको याद कराऊंगा, याद होने लगेगा। सर बेरी बेरी में दो ठो बेरी बेरी है, एक बेरी बेरी बी की वजह से, एक बार बोला वंस मोर, तो वंस वजह से एक बार और बेरी बेरी आ गया, तो जाए से बी वन की वजह से ही होगा, कमी से होगा बेरी बेरी, वो आंसर आप मार सकते हैं। या केवल बी टू बी थ्री बी थ्री लिखता तब भी आप बना लेते हैं बाप, ठीक। चलिए मैं बोला ना आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद होना ही है, तय है कि याद होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ा दिए याद ना हो। अब आप क्वेश्चन देख रहे तो आपको लगेगा यहाँ सर याद तो हो गया हमें। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है, ठीक है, बी वन की कमी के कारण होता है। विटामिन डी कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, विटामिन ए आपको पता ही है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, बोला था ना साइनोकोबालामिन सबसे बड़ा नाम बी ट्वेल्व, साइनोकोबालामिन कोबाल्ट, हाँ साइनोकोबालामिन में कोबाल और साइनोकोबालामिन कोबाल में कोबाल्ट, बी ट्वेल्व आंसर सही है। बोला जो पढ़ा दिया याद होगा, देखिए अब आप बोल रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा जो आप पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन तो बन रहा है, बनेगा ही ना, बनना ही है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन, पायरिडॉक्सिन और बायोटिन, अब आपको बताना है। भैया किस चीज की कमी से आपके बाल झड़ते हैं तो आप सातों दिन परेशान होते हैं। सर बाल झड़ते हैं तो मैं सातों दिन परेशान होता हूँ, किससे, बी सेवन से। और बालों के लिए सबसे अच्छा कौन सा वो कैप्सूल खाते हैं, सर हम तो बायोटिन के टैबलेट खाते हैं, इसका सर हम बायोटिन के टैबलेट खाते हैं, बोलते हैं बायोटिन का कैप्सूल खाइए आपके नाखून और बाल अच्छे रहेंगे, बाल और नाखून अच्छे रहेंगे। यस, तो बायोटिन किससे जुड़ा हुआ है, बी सेवन से जुड़ा हुआ है, उसी का नाम रासायनिक नाम है बी सेवन का। सर बी सेवन से सातों दिन मेरे बाल गिरने से मैं परेशान, सातों दिन बाल गिरने से परेशान रहता हूँ, याद हो गया तो समय वही होगा। आगे विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में हो जाता है, बी सिक्स कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, बेरीबेर हो जाता है, अरक्ता हो जाती है बी सिक्स की कमी से, बताइए। अब ये थोड़ा मोटा फोकस और कैसे करेंगे हम, तो ध्यान देंगे तो होगा, कैंसिल करना चालू कीजिए। सी विटामिन सी से स्कर्वी, रिकेट्स कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से होता है, दो ऑप्शन ऐसे खत्म। बचा बी वन की कमी से बेरीबेरी, तो बचा क्या भैया, अरे एक ही चीज बच गया ना, आंसर इज क्लियर, अरक्तता। अरक्तता माने रक्त की कमी, एनीमिया, तो एनीमिया को ही अरक्तता कहा जाता है, और अरक्तता माने रक्त की कमी होना, एनीमिया रक्त की कमी होना, क्लियर हो गया। और बी सिक्स से होता है भैया, ठीक है, ठीक, कैसे याद रहेगा आपको, याद करना याद कीजिए, मोर छठी एनीमी है, मोर छठी एनीमी है, एनीमी माने एनीमिया को ही अरक्तता कहते हैं। देखिए नाम से खेल दिया ना, इसलिए क्वेश्चन डाला मैं, क्या पढ़ गया एनीमिया, एनीमी है मेरे छठ एनीमी है, एनीमी से एनीमिया आपको याद है, हमारा अरक्तता लिख दिया तब, अब याद हो गया। यस, निम्न में से साइनोकोबालामिन है सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा इसमें कौन सा सबसे बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है, आंसर आपके सामने बी ट्वेल्व, बोला ना क्वेश्चन को नहीं छुपा दीजिए आंसर आप। आइए नेक्स्ट, क्लियर हो गया। चलिए भैया आज इतने काफी है, बहुत सारे हो गए, तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो भी फीमेल सुपरवाइजर के बाद जो भी आपके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो सीजी व्यापम का 31 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम 5 से शाम 8 बजे के बीच चलेगा, क्लियर हो गया। 6 महीने तक का ये पूरा कोर्स है, इसमें आपको टॉप एंड हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उसी में ही क्लास टेस्ट यहाँ भी होगा, ओएमआर सीट में आपका डाउट सेशन लिया जाएगा, डिजिटल क्लासरूम मिलेगी, और शुरुआती जो बच्चे होंगे उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट, तो शुरुआती 10 बच्चों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसकी जानकारी के लिए, ये ऑफलाइन कोर्स है, ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी जानकारी दे रहा हूँ, इस नंबर में आप कॉल करके अन्य जानकारी ले लेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, जिसको पीएससी प्री की तैयारी करनी है तो
तो उसकी भी नई बैच स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त 2023 से ही, सुबह 7 से 10 बजे तक। वही सारी फैसिलिटीज इसमें भी है। इसमें 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है शुरुआती 10 बच्चों को। इसके लिए जानकारी के लिए इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे, और किसी भी चीज़ के लिए आप अर्जुना डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।